एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी, और वो है बटर स्कॉच आइसक्रीम की। और ये बटर स्कॉच आइसक्रीम की खास बात ये है, मात्र 5 मिनट में बिना गैस चलाए, बिना किसी मशीन, बिना कंडेंस मिल्क और बिना इलेक्ट्रिक बीटर आप आसानी से मिक्सी में बनाएंगे एक अनोखे तरीके से, और आपकी जो बटर स्कॉच आइसक्रीम है वो बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने जैसी। आपको विश्वास नहीं होगा कि 5 मिनट में भी इतनी बढ़िया बटर स्कॉच आइसक्रीम आप बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल सी सामग्री से। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही स्पेशल तरीके से बटर स्कॉच आइसक्रीम मिक्सी में। सबसे पहले आप लीजिए मिक्सी का ग्राइंडिंग जार। अब ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे 250 ml फ्रेश क्रीम। ऐसी आती है ना मार्केट में अमूल फ्रेश क्रीम, ये तो बहुत ही इजीली मिल जाती है, तो आप ये ले लीजिए। या फिर अगर ये नहीं भी मिलती है तो आप हलवाई से जो फ्रूट क्रीम बनाने के लिए क्रीम लेते हैं ना, वो वाली ले लीजिए। इससे आपकी आइसक्रीम एक तो जल्दी भी बनेगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और मैंने फ्रेश क्रीम को कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये बिल्कुल ठंडी है, 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, और ठंडी क्रीम को आप इस तरह से मिक्सी के जार में डाल दें। और अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी यानी पाउडर शुगर। आप चीनी को मिक्सी में डाल करके इस तरह से पीस कर तैयार कर सकते हैं। चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने 4 बड़े चम्मच डाल दी है, और इसको बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए, इसमें वही टेक्सचर आने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको जरूर डालें, इससे बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनती है, स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप यानी 125 ml। हमने 250 ml क्रीम ली, 125 ml मिल्क ले रहे हैं, यानी जो रेशो रहेगा क्रीम और मिल्क का वो 2:1 का रहेगा। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये दूध, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, और दूध आप थोड़ा सा गाढ़ा वाला ले लें, जो आपके घर में ही आता है ना, तो पानी ना मिलाएं उसमें उबालते वक्त, इसी तरह गाढ़ा दूध लें, क्योंकि आइसक्रीम बना रहे हैं, फैट कंटेंट ज्यादा रहेगा तो उतनी ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनेगी। और अब आती है मेन चीज कि इसको बटर स्कॉच वाला फ्लेवर कैसे दे, तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ बटर स्कॉच एसेंस। आपको बहुत ही इजीली किसी भी सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। या फिर आपके पास अगर बटर स्कॉच क्रश है, जैसे ये इस तरीके के मार्केट में बॉटल मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया इससे मिल्क शेक वगैरह भी बनता है, तो ये बहुत टेस्टी होता है, तो आप ये डाल लें 2 बड़े चम्मच, तो उससे भी आपका बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस नहीं है या क्रश नहीं है, तो फिर आप यहाँ वनीला एसेंस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 छोटे चम्मच बटर स्कॉच एसेंस, और इसको बिल्कुल मार्केट वाला अच्छा सा कलर देने के लिए, देखा है ना आपने मार्केट में हल्की येलोइश होती है, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 पिंच येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ बाजार जैसा कलर आने के लिए। अब सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से चर्न करेंगे, बहुत ही बढ़िया से हाई स्पीड पे हमें चर्न करना होगा, जिससे इसमें एयर पॉकेट बन जाए, तभी हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी बनेगी। तो 2 मिनट आपको इसी तरीके से मिक्सी में अच्छे से इसको चर्न करना होगा, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी क्रीमी हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम इस तरह से तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसे झाग बन जाने चाहिए एकदम। और अब आप लीजिए कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर इस तरीके का, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको जमा सकते हैं। तो अब हम अपने मिक्सी वाली आइसक्रीम को पूरा इसमें डाल देंगे, और ये देखिए कितनी क्रीमी और झागदार हमारी आइसक्रीम है, और देखिए आया है ना बिल्कुल वही वाला कलर जो मार्केट वाली बटर स्कॉच आइसक्रीम का होता है। तो बस अब हमें क्या करना है कि हम इसको लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में सेमी सेट होने के लिए रखेंगे, यानी थोड़ा सा जमने के लिए, पूरी तरह से नहीं जमाना है, सिर्फ इतना कि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए, ठंडी हो जाए। तो 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ लिड लगा करके डीप फ्रीजर में। इससे पहले जो मैंने बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी बनाई थी, वो भी बहुत बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जिसमें हमने क्रीम को व्हिप किया था इलेक्ट्रिक बीटर से, वो रेसिपी भी आप देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जब तक हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम सेट हो रही है, जल्दी से मैं आपको बताती हूँ उसके प्रोलाइन के बारे में। जब आप बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते हैं, तो आपने देखा होगा ना छोटे छोटे क्रंची क्रंची पीसेस आते हैं, और वो इतने टेस्टी लगते हैं, लगता है कि पूरी आइसक्रीम में मुंह में वो आते रहे, और खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। तो वही प्रोलाइन आप घर में भी बना सकते हैं, और ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है। जैसे ये देखिए, ये है बटर स्कॉच चिप्स, बहुत इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाएगा। इस तरीके के चिप्स होते हैं जिसको कि आइसक्रीम में डाला जाता है, तो आप या तो रेडीमेड ले लीजिए। खास बात इसकी ये है
कि एक बार परचेज कीजिए 12 महीने भी ये खराब नहीं होता, और अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो 2 साल भी चल जाएगा, और आप प्रलाइन घर में भी झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, और यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप चीनी। 1/4 कप मान के चलिए 4 बड़े चम्मच चीनी है। फ्लेम को लो रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर चीनी को हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। इस तरह से लगातार चलाएंगे क्योंकि चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे कि इसमें छोटे छोटे पीसेस ना रहे। और ये देखिए धीरे धीरे चीनी का जो रंग है वो गोल्डन होने लगा है, बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और इसमें डालिए 1 चम्मच बटर। मैं यहाँ सॉल्टेड अमूल बटर डाल रही हूँ, और बटर को थोड़ा सा पहले ही बाहर निकाल लें, बिल्कुल ठंडा ना डालें, इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच क्रश्ड काजू, आप बादाम भी ले सकते हैं, मैंने काजू लिए हैं। और अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। और ये देखिए इसका बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। गैस को कर देते हैं ऑफ। ये मैंने ली है एक स्टील की प्लेट, इस पर हम डालते हैं 1-2 बूंद ऑयल या घी और इसको ग्रीस कर लेंगे। जो हमने ये कैरमल क्रंच बनाया है इसको इस पर डालेंगे और इस तरीके से इसको फैला देंगे जिससे एकदम पतली लेयर इसकी जम जाए, और लगभग 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से प्लेट पर जमने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम निकाल देते हैं। प्लेट को नीचे से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कैरमल क्रंच निकला है, बिल्कुल आसानी से यूं ही निकल आया। अब इसको हम करेंगे क्रश। क्रश करने के लिए मैं एक ले रही हूं प्लास्टिक का इस तरीके का पैकेट, इसमें हम सारे पीसेस को डाल देंगे। एक बेलन की मदद से हम इसको पूरा क्रश कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है पूरा क्रश, कुछ मोटे पीसेस रहने दिए हैं, और अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बटर स्कॉच आइसक्रीम का कैरमल क्रंच बिल्कुल तैयार है। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम को निकाल लिया है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और ये देखिए परफेक्ट, ये कुछ जम सी गई है और बिल्कुल ठंडी चिल्ड है। और उसी ग्राइंडिंग जार में फिर से हम पूरी आइसक्रीम को डाल देंगे और बढ़िया से लगभग 2 मिनट इसको अच्छे से हाई स्पीड पर चर्न करेंगे, क्योंकि जितना बढ़िया हम इसको चर्न यानी ब्लेंड करेंगे उतने बढ़िया इसमें एयर पॉकेट्स बनेंगे जिससे हमारी आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर बढ़ेगा। तो 2 मिनट और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए मैंने आइसक्रीम को बिल्कुल बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है एकदम हाई स्पीड पर, बिल्कुल झागदार हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब इसी बॉक्स में हम आइसक्रीम को फिर से डाल देंगे। ये देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी ये लग रही है। अच्छे से ब्लेंड करने की वजह से इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ये फ्लफी सी हो जाएगी जैसे अभी आपको लग रही है। लेकिन अभी बटर स्कॉच आइसक्रीम अधूरी है क्योंकि हमने जो भी कैरमल क्रंच बनाया था वो डालना तो रह ही गया। तो अभी हम क्या करेंगे, या तो आप रेडीमेड वाला बटर स्कॉच चिप्स डाल लीजिए, या फिर जो भी हमने कैरमल क्रंच तैयार किया था उसको हम डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल होममेड वाला ही डाल देती हूँ। तो इसमें इस तरह से लगभग 2 चम्मच के करीब अपनी चॉइस के अनुसार, मुझे तो बहुत पसंद है, तो अगर आपको भी पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए। एक स्पून से अच्छे से कर दीजिए मिक्स। थोड़ा सा कैरमल क्रंच यानी प्रलाइन जो भी बनाया था ऊपर से भी डाल देते हैं अच्छा सा लुक आने के लिए। अब इस तरह से आइसक्रीम तैयार करने के बाद हमें इसे करना होगा पूरा कवर, यानी ये जो इसका ऊपर की सतह है इसको बिल्कुल ढकना होगा जिससे कि ये क्रीमी रहे और इस पर आइस क्रिस्टल ना आए। तो उसके लिए आप ले सकते हैं इस तरीके का बटर पेपर, या फिर आपके घर में इस तरह दूध का पैकेट पड़ा हो तो उसे धो करके सुखा ले, उसे यूज कर ले, या फिर आप इस तरीके की प्लास्टिक पैकेट भी यूज कर सकते हैं, या सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे खाना पैक करते हैं। तो मैंने ये दूध वाले पैकेट को इस तरह से कट कर लिया है और इस पैकेट को इसकी सतह के ऊपर हम इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, बिल्कुल हल्के से लाइटली आप इस तरह पूरा कवर कर दें। इससे जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं आइसक्रीम में वो नहीं आते हैं और आइसक्रीम बढ़िया बनी रहती है। और इस तरह से कवर करने के बाद आप लिड लगा दें, और लिड लगाकर हमें आइसक्रीम को रखना होगा लगभग 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में। टाइम जमने का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी जम सकती है, थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करेगा आपके फ्रीजर पर। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रीजर में। लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। और जो अब हमने इसके ऊपर ये प्लास्टिक की पैकेट लगाया था इसको धीरे धीरे से हटाएंगे। वाओ वाओ सुपर टेस्टी है, देखिए कितनी आसानी से ये
मिल्क का जो हमने पैकेट लगाया था हट गया। कितनी जबरदस्त क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम जमी है ये देखिए, और जो हमने इसके ऊपर कैरमल क्रंच यानी पैरालाइन डाला था वो भी कितना टेस्टी यम्मी लग रहा है। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप बिना खाए रह नहीं पाएंगे। एक बार स्कूपर को हल्का सा डिप कर ले गरम पानी में और इस तरह से हम एक स्कूपर की मदद से धीरे धीरे इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिए क्या जबरदस्त हमारी क्रीमी आइसक्रीम बनी है। ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है। तो हम इस तरह से इसको एक बोल में सजाएंगे जैसे मार्केट में होती है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया गजब का टेक्सचर आया है सिर्फ मिक्सी में बनी आइसक्रीम का। अपनी यमी आइसक्रीम पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कैरमल क्रंच, जो भी हमने बनाया था ना वो डाल दीजिए या रेडीमेड वाला कोई भी डाल दीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो आइसक्रीम बिल्कुल अधूरी है। और साथ ही थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ कुछ सिल्वर पर्ल्स। सभी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप मिक्सी में बिना किसी मशीन बिना किसी इलेक्ट्रिक बीटर आप बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट सॉफ्ट बाजार जैसी बटर स्कॉच आइसक्रीम बना सकते हैं। बस कुछ बातों का आप याद रखिए कि आपको आइसक्रीम को ऊपर से जरूर इसको कवर करना है जिस तरह से मैंने किया था। दूसरा, मिक्सी में आप खूब अच्छी तरीके से चर्न करें, जितना बढ़िया ब्लेंड करेंगे उतनी ही क्रीमी सॉफ्ट आपकी आइसक्रीम बनेगी। तीसरा, जो हमने इसमें दूध डाला है वो बिल्कुल फुल फैट क्रीम वाला डाला था। अगर आपका दूध फुल फैट वाला नहीं है पतला है तो आप दूध की मात्रा आधी कर दें, कम डालें, क्योंकि अगर आप पतला दूध डालेंगे तो आइसक्रीम में आइस जमने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको व्हिप क्रीम या हैवी क्रीम मिल जाती है तो आप वो यूज करेंगे तो और भी क्रीमी क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनेगी। और ये देखिए छोटी छोटी बटर स्कॉच पॉपसिकल्स, एक्चुअली अभी एक दिन पहले ही मैंने इसको बनाया था, मेरे बेटे की बहुत डिमांड थी बटर स्कॉच आइसक्रीम की, तो मैंने जल्दी से इस तरह से छोटे छोटे ग्लासेस में जमा दिया था। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। हाथ में बीच में रख करके इस तरह से इसको थोड़ा सा रगड़े जैसे कुल्फी वाले और सब करते हैं ना मार्केट में, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद आप धीरे धीरे घुमाइए, खींचे मत बस। वाव सुपर, इसका क्रीमी टेक्सचर देखिए। और दूसरी पॉप्सिकल को भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, परफेक्ट। और अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ हमारी यमी सी कैरमल सॉस, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको बटर स्कॉच सॉस बोलते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद होती है क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना बिल्कुल टॉफी जैसा होता है, इसलिए इसको टॉफी सॉस भी बोला जाता है। और ये वाली टॉफी सॉस हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, लग रही है ना यमी सुपर। आप भी बनाइए और बच्चों को जरूर दीजिए सरप्राइज इस समर वैकेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही सरल सी रेसिपी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी रेसिपी की डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।